हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं। ये वीडियो हमारी खुद की रिसर्च और ओपिनियंस पे बेस्ड है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद की रिसर्च जरूर करें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हाय एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज अबाउट ईओएस। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, EOS का मेननेट लॉन्च होने वाला है 2 जून को, और उसी के साथ EOS का ICO भी फाइनली ओवर होगा। EOS ऑलरेडी क्लोज टू $4 बिलियन रेज कर चुका है ICO से, और 1 जून 2018 जब ICO एंड होगा वहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि EOS टोटल $4.2 बिलियन रेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। EOS has enough funds to make their project really big, but still, recently Chihu 360, जो कि एक Chinese internet security company है, उन्होंने एक काफी बड़ा bug EOS के codebase में identify किया। और इस bug के according, attackers या hackers चाहे तो EOS network पे attack करके nodes, smart contracts और transactions को control या manipulate कर सकते थे, और लोगों के wallet की private keys भी steal कर सकते थे। जो कि आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि कितना बड़ा बग है। आई एम सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा बग उन्होंने मिस कैसे कर दिया। ऑल्दो अब इस बग को EOS टीम ने पैच कर दिया है, और इससे EOS के प्राइस पे थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिला था, पर अब प्राइस वैसे स्टेबल हो रही है। इतना बड़ा बग डिटेक्ट होने के बाद डैनियल लैरिमर ने बाउंटी भी निकाली है EOS मेननेट लॉन्च से पहले, ताकि और कोई बग्स हो तो वो भी डिटेक्ट हो और EOS टीम बग्स को फिक्स कर पाए। पर एक बग डिटेक्ट करने के लिए EOS सिर्फ $10,000 ऑफर कर रहे हैं, जिसको लेके कम्युनिटी में EOS को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, ये कह के कि EOS टीम सिक्योरिटी को बहुत लाइटली ले रहे हैं, जबकि इन्होंने ICO में अराउंड $4 बिलियन रेज करे हैं, पर बग्स के लिए सिर्फ 10,000 की बाउंटी दे रहे हैं, और वो भी इतने इंपॉर्टेंट मेननेट लॉन्च के टाइम पर। अभी तक मेननेट लॉन्च डेट 2 जून ही है, पर हो सकता है डेट डिले हो जाए अगर और भी बग्स डिटेक्ट हुए तो। अगर डेट को लेके कोई भी अपडेट आती है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट सेंड कर दूंगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब ज्वाइन कर लीजिएगा। ओवरऑल हम यही बोलेंगे कि EOS मे बी ओवर हाइप्ड है, पर अच्छे प्रोजेक्ट्स ओवर हाइप्ड ही रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि लॉन्च से पहले Chihu टीम ने बग डिटेक्ट किया और EOS टीम को इन्फॉर्म किया, नहीं तो लॉन्च के बाद बहुत बुरा हो सकता था EOS के साथ। We hope EOS will learn a lesson from this and थोड़ा ध्यान देंगे security और bugs के ऊपर, और at least 10,000 से ज़्यादा की bounty देंगे, because the entire mainnet depends on security, तो वो बहुत ज़्यादा important है। और सही में अगर अच्छी security चाहिए तो उन्हें अच्छे experts hire करने चाहिए, और ऐसे 10,000 की सस्ती bounty नहीं निकालनी चाहिए, and they should be serious about it। फ्यूचर की बात करें तो हम यही बोलेंगे कि EOS अभी भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है फ्यूचर में, इफ दे लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस और आगे और कॉशियस रहे बग्स को लेके। 2 जून तक EOS की प्राइस अभी भी राइज कर सकती है अगर बिटकॉइन स्टेबल रहा और डंप नहीं हुआ तो, और लॉन्ग टर्म में EOS कैन क्रॉस $50 2018 के एंड तक, अगर ये सिक्योरिटी पे प्रॉपर ध्यान दें और प्रोजेक्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट करें विदाउट एनी मिसेस। तो ये था अपडेट EOS के बारे में। अगर कोई भी नई अपडेट आती है तो हम आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, और अगर आप इस चैनल पे नए व्यूअर हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आते हैं। तब तक के लिए क्रिप्टो क्वीन साइनिंग ऑफ।